जाना पड़ेगा, बारिश होने लग गई है भाई। ये मस्त फील हो रहा है ना गाइस, अंधेरा में तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ना शांत अकेले बैठने में समुद्र के किनारे बहुत मजा आ रहा है। एक यहाँ पे वाव मोमो है, तो देखते हैं यहाँ से लेती हुई हम करोगे वो आपको फ्राई करके दे देगा दे यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेश जो है मछली काट के आप यहाँ पे भून के दे देगा आपको। ये पूरा आपको स्ट्रीट फूड का मार्केट मिल जाएगा आपको। यहाँ मस्त वाइब है यार, बीच के किनारे सब कुछ मिल रहा है, अच्छा लगता है। शाम को इस तरह का आपको यहाँ पे बीच के किनारे मिल जाएगा, चाय, अंडा, मैगी, बाकी इधर मस्त। बीच के बाद इधर सारा आपको होटल ही होटल नजर, वहाँ तक आप देख रहे हो ना आपको मिल जाएगा। बस आप पैसा फेंको, तमाशा देखो वाला सीन है यहाँ पे। होटल आपको इस तरह का यहाँ पे मिल जाएगा, ये जो आप देख रहे हो ऊँट, हाथी, घोड़ा सब यहाँ पे। हर उम्र का आदमी यहाँ पे आ सकता है, ओल्ड एज के लोग आते हैं इस बीच में। शाम का टाइम है और कितना ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, इतना भीड़ है ना कि लग रहा है कि पता नहीं ये जेसीबी की खुदाई हो रही है। और देखते हैं इधर क्या मिलता है। तो ये वाला मैंने खाजा लिया है, ये सब सारा खाजा भंडार आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह का मार्केट है, ये जो है लिया साड़ी, और इधर से आप जाओगे इधर से आपको मिलेगा मंदिर। मंदिर वाले रोड में ही लेंगे जो भी सामान लेना है। रात का कैसा पूरी रहता है वो आपको मैं आज दिखाऊंगी इस सारे वीडियो में। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, अभी चाय वगैरह मैं वहाँ से लूँगी, नीचे से चाय वगैरह लूँगी, और घर के लिए कुछ ले लेती हूँ मैं। यहाँ का जो फेमस है खाजा वगैरह वो ले लेती हूँ मैं घर के लिए। उसके बाद थोड़ा अभी शाम का टाइम है तो अभी बीच के साइड थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, अभी थोड़ा सा चिल करेंगे। बाकी इधर मंदिर के साइड में खाजा वगैरह मिलेगा, तो खाजा वगैरह मैं लेती हूँ, प्रसाद वगैरह सारा पैक करवा के, क्योंकि कल एक नए ट्रिप के लिए निकलना है। तो अभी बीच के साइड भी बैठूंगी, उसके बाद उधर शॉपिंग के लिए चलते हैं। देखते हैं रात का कैसा पूरी रहता है वो आपको मैं आज दिखाऊँगी इस सारे वीडियो में, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। तो ये लिया है 10 रुपए का चाय कटिंग, तो इसको पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से बीच के साइड में। तो शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ पे पूरी का। चलिए कुछ लेते हैं प्रसाद वगैरह, उसके बाद चलते हैं। इधर से आप जाओगे इधर से आपको मिलेगा मंदिर। तो मंदिर वाले रोड में ही लेंगे जो भी सामान लेना है। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सा कुर्ता वगैरह मिल रहा है लेडीज का, जेंट्स का, तो वो भी देख लेंगे, पापा के लिए मैं ले लूँगी। ये कुछ इस तरह का मार्केट है, ये जो है स्केट वो वाला में मैंने लिया है साड़ी और कुर्ता मम्मी पापा के लिए, जो कि मैं घर में जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। बाकी मिठाई वगैरह ले लेते हैं कुछ, ये मिठाई वगैरह का शॉप है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये वाला मैंने खाजा लिया है, ये सब सारा खाजा भंडार आपको मिल जाएगा। ये पूरा एरिया खाजा भंडार है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाला मैंने लिया है तो पैक हो रहा है, लेके बीच के साइड चलते हैं। तो हो तो गया है थोड़ा बहुत का, और देखते हैं इधर क्या मिलता है। बाकी मेरे मम्मी पापा को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, तो मैं अपने मन से ही ले लेती हूँ। बस वो कहते हैं कि घूमो तुम खुश रहो बस, लेकिन मुझे अच्छा लगता है लेने के लिए। उधर तो गई थी मैं, अब मैं बीच के साइड चलती हूँ। बीच के साइड चलते हैं पहले, चलिए उधर से चलते हैं, तो फिर से लौटना पड़ेगा इधर। यार दुकान में ना नहीं निकाला, अच्छा नहीं लगता है हर चीज़ को, किसी के प्राइवेसी को ख़त्म कर देना। कोई कोई दुकान वाले बोलते हैं रिकॉर्डिंग करने तो करती हूँ, कोई कोई बोलते हैं नहीं करने तो नहीं करती हूँ। आपको इस तरह का यहाँ
यहाँ पे मिल जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ऊँट हाथी घोड़ा सब मिल जाएगा। मतलब ये टूरिस्ट प्लेस ऐसा है ना कि यहाँ पे हर उम्र का आदमी यहाँ पे आ सकता है। खासकर यहाँ पे ज़्यादातर ना मतलब ओल्ड एज के लोग आते हैं। इस बीच में देख सकते हो अभी शाम का टाइम है और कितना ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है। आप देख सकते हो इधर तो आपको इस गोप्रो में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, बट इतना भीड़ है ना कि लग रहा है कि पता नहीं JCB की खुदाई हो रही उस टाइप की। JCB तो इस तरह का कुछ है नज़ारा, देख सकते हो आप लोग। शाम का टाइम है, अच्छा काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, इसीलिए मैं इधर आ गई थी। तो अभी मैं कुछ देर बैठती हूँ, उसके बाद कुछ खाने के लिए चलेंगे, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी कुछ देर बैठते हैं, आपको कुछ यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तब तक ये इस तरह का आपको यहाँ पे बीच के किनारे मिल जाएगा, चाय अंडा मैगी बाकी इधर मछली फिश वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये बीच के बाद इधर सारा आपको होटल ही होटल नजर, वहाँ तक आप देख रहे हो ना, वहाँ से लेके सारा होटल होटल है। अगर आप जो है नहीं भी होटल बुकिंग करके आते हो ना, तो इधर आप कहीं भी घुसोगे ना मस्त आपको मिल जाएगा। बस आप पैसा फेंको, तमाशा देखो वाला सीन है यहाँ पर होटलों का। क्या मस्त वाइब है यार, बीच के किनारे सब कुछ मिल रहा है, जो चीज़ खाना हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना MN मुखर्जी ट्रेवल्स, यहीं से मैंने बुक किया है, वो वहाँ पे, जो कि आपको कल देखने को मिलेगा। तो मुझे थोड़ा बहुत कैश निकालना पड़ेगा कल के लिए, तो देखते हैं ATM कहीं पे, क्योंकि कैश ख़त्म हो गया है। होटल वाले को दिया था, ज़्यादा कैश तो था नहीं मेरे पास और होता भी नहीं है, तो पहले ATM देखते कहीं पे। इस तरह का कुछ नज़ारा है, इधर चलते हैं पहले, आगे तक चलती हूँ, आगे शायद कोई ATM, अच्छा वो रहा SBI का, मुझे ATM दिख गया, वहाँ चलते पहले। ये रहा SBI का ATM, यहीं पे चलते हैं। बट मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा, तो रोड क्रॉस करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये वाला तो यहाँ से मैंने विड्रॉल कर लिया है, अभी अब चलते हैं। तो थोड़ा बहुत बीच के साइड वाला जो है ना आपको स्ट्रीट फूड का मार्केट, वो दिखा देती हूँ मैं आपको। चलो रोड क्रॉस करना पड़ेगा, ये पूरा आपको स्ट्रीट फूड का मार्केट मिल जाएगा आपको यहाँ पर। आइसक्रीम लेते हैं आइसक्रीम वाले से, ये मैंने चॉकलेट लिया है 20 रुपीज़ वाला, कुछ इस तरह का सारा है। अभी बीच के साइड जाएंगे, उधर थोड़ा अच्छा लगेगा। वो रहा बीच के साइड में, चलते हैं। अभी तो अंधेरा होगा बट चलते हैं, अभी थोड़ा बहुत शांत लग रहा है इधर, मजा आएगा, ठंडा ठंडा हवा। ये रहा बीच एरिया, अभी पूरा शांत लग रहा है ना आपको, देखो अभी उतनी भीड़ नहीं है, उस साइड भीड़ दिखेगी आपको। मैं थोड़ा बहुत आगे आ गई हूँ, तो सामने चलते हैं, अंधेरा है बट लाइट वगैरह जला के मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है यहाँ पे, मस्त फील हो रहा है ना गाइज। अंधेरा में तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट
यहाँ पे ना शांत अकेले बैठने में समुद्र के किनारे बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा हवा, समुद्र के किनारे। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट मैं बता नहीं सकती कैसा फील हो रहा है यहाँ पे। अरे एक गया जूता भाड़ में भाई, मेरे जूते का सत्यानाश हो गया बीच के। अब इसको रात भर सुखाना पड़ेगा, कल पहनना है बस इसी को। अब जाना पड़ेगा, बारिश होने लग गई है भाई, अब तो जाना पड़ेगा। चलो रे भाई, अभी चलते कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत, उसके बाद देखते क्या करती हूँ मैं, उसके बाद आपको बताती हूँ। यहाँ से अभी बीच से निकलते हैं। चलिए, मेरा पैर देख सकते पूरा भीग गया है एकदम, पूरा जूता भी भीग गया है। मेन रोड में खाली पैर में जूता हाथ में पकड़ के अगर कहीं चलते हुए किसी को देखना तो समझ जाना पूरी में। अरे मजाक कर रही हूँ मैं। हाथ पकड़ के अब जाके होटल में ही पहनूँगी, क्योंकि इतना ये है कि मैं पहन नहीं सकती इस जूते को। तो कुछ खाते हैं पहले। ये देख सकते हैं स्ट्रीट फूड लगा रखा है, हर जगह आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। कुछ हैवी तो नहीं खाने का मन कर रहा है, बट चलते हैं खाते हैं कुछ हैवी का। एक यहाँ पे वाव मोमो है, तो देखते हैं यहाँ से लेती हुई या फिर यहाँ पे फ्रेश जो है मछली काट के आप यहाँ पे भून के दे देगा आपको। काट के जो भी फिश पसंद करोगे वो काट के आपको फ्राई करके दे देगा वो खाने के लिए। ये देख लो, ये सब सारा मार्केट इस तरह से है। ये देखो, ये फिश का जो आपको शॉप दिख रहा है ना, आप जो पसंद करोगे वो आपको फ्राई करके दे देगा यहाँ पे, अपने हिसाब से कितने किलो का मिलता है क्या मिलता है। इधर ही देखा था क्या? नहीं, आगे। कुछ ऐसा है चहल पहल वाइब यहाँ का। इधर मैंने बिरयानी पूछा था, इधर को है देखा था मैंने बिरयानी, उसमें बिरयानी कितने का है। मैंने यहाँ से खाना पैक करा लिया है, बिरयानी 99 वाला। अब जो है कोल्ड ड्रिंक लेंगे, उसके बाद चलते होटल में। ये सारा स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। खाना ले लिया है, अभी चलते हैं पानी एक लेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद होटल में ही जाके खाएंगे। तो मैंने बिरयानी लिया है, खाती हूँ मैं, पहले खाती हूँ फिर मैं आपसे आपको मैं दिखाऊंगी क्या मैंने लिया है, ठीक है? खा के फिर मिलते हैं गाइस। तो मेरा डिनर वगैरह सब हो गया है, और जो है कल मेरा दूसरे जगह निकलने का प्लान है, यानी कि कल मैं टूर कर, जो आज मैंने बुक किया था ना, जो आपको मैंने दिखाया इससे पहले वाली वीडियो में, वो मैंने बुक किया था। उसकी डिटेल में एक बार पिछली वाला ब्लॉग देख लेना, अगर नहीं देखोगे तो कल वाले ब्लॉग में मैं
डाल दूंगी कैसे कैसे कहाँ करना है। तो अभी मैं जस्ट खाना वाना खा के अब रेस्ट करूंगी। सुबह मुझे 6 बजे निकलना है क्योंकि यहाँ से जो है 7:15 बजे के लगभग निकल जाएगा टूर, तो वो टूर करूंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आज जो मैंने लिया, मैं दिखा देती हूँ एक बार मम्मी पापा के लिए लिया है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वाला ये साड़ी है और ये कुर्ता लिया है मैंने, ये वाला खादी है और ये भी खादी की साड़ी है ये वाला। और तो ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ जानना चाहते हैं पूरी के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको मैं मिलती हूँ सुबह। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।